हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के एल सी सी एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है एम के एल बोर्डेस कोचिंग सेंटर के अपने यूट्यूब चैनल एम के एल सी सी ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारे चैनल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में 40 ऑब्जेक्टिव में 40 सही हो तो हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएँ। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी है उसे भी बजा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं और आज का सेट है सामाजिक विज्ञान के चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे पार्ट 1। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो है यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 1, जिसमें हम लोग कुल 30 प्रश्न देखेंगे और प्रतिदिन शाम 7 बजे मैट्रिक परीक्षा 2021 की तैयारी करने के लिए आपको एक सेट मिलते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली तथा जर्मनी आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन C, यूरोप महादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वह बुर्बो वंश था। याद रखेंगे, बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी संगठन से, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन B। दोस्तों, अगर यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्लास का आनंद उठा सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो वह ऑस्ट्रिया था। याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया ही था जो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। याद रखेंगे, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन C। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपको मैट्रिक परीक्षा में यूरोप में राष्ट्रवाद से अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो उससे एक प्रश्न भी नहीं छूटेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी पार्ट को देखें क्योंकि हमारे चैनल द्वारा आपको प्रतिदिन 7 बजे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सेट प्रदान किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशी से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। बहुत ही आसान सवाल था और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न थे, इसलिए क्वेश्चन 6 का सही आंसर है ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो वह नेपोलियन बोनापार्ट था। याद रखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राज का निर्माण किया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन B। जर्मन राइन राज का निर्माण कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। याद रखेंगे, जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। याद रखेंगे, बिस्मार्क है जो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो याद रखेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन D। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी बजा दें ताकि हमारे चैनल पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी?
तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो वह 1821 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो वह इंग्लैंड में हुआ था। याद रखेंगे चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। हाँ दोस्तों, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, अर्थात कब घोषित किया गया था? तो सन 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो सन 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ था। याद रखेंगे कार्बोनरी संगठन 1810 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रियानो पुल की संधि कब हुई? एंड्रियानो पुल की संधि कब हुई? तो वह 1829 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे 1829 ईस्वी में एंड्रियानो पुल की संधि हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान और बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो वह तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी। याद रखेंगे तुर्की एवं रूस के बीच एड्रियानो पुल की संधि हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? तो वह फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। याद रखेंगे फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो वह रूस था। याद रखेंगे रूस था जो पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें उत्साह मिलता है और भी इसी तरह से वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है। इसलिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उससे आप ऐड हो सकते हैं और सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी घर पे करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं, उसमें आपको सभी स्टडी मटेरियल उपलब्ध होते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो वह सेडोन में हुआ था। याद रखेंगे यही से तो प्रश्न कहता है कि सेडोन का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रसा के बीच उसी क्वेश्चन को उलट दिया कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो वह सेडोन में हुआ था। अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो एक से अधिक क्वेश्चन आपको सही हो पाएंगे। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, समझते हुए याद करें और समझते हुए पढ़ें ताकि एक क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन बन सके, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो याद रखेंगे यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनान। यूनान का ही साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा यूरोप वासियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा इटली संस्था का विकास किया? युवा इटली संस्था का विकास किया, कौन किया था युवा इटली संस्था का विकास? तो वह मेजनी थे। याद रखेंगे मेजनी नहीं, युवा इटली संस्था का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? क्वेश्चन नंबर 23, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो याद रखेंगे बिस्मार्क कूटनीति था। याद रखेंगे कूटनीति था बिस्मार्क, कूटनीति करते थे तो वह कूटनीतिज्ञ थे, इसलिए बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? तो कूटनीतिज्ञ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो याद रखेंगे विक्टर एमैनुअल, विक्टर एमैनुअल सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो वे थे लॉर्ड बायरन। याद रखेंगे लॉर्ड बायरन जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। और दोस्तों, यह यूरोप में राष्ट्रवाद का Part 1 वीडियो है, इसलिए मेरे चैनल से जुड़ जाए, Part 2 जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। सभी चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव उपलब्ध हो रहे हैं और सभी विषय से साइंस, साइंस हो जाएंगे,
सोशल साइंस हो जाएंगे, इस तरह से सभी विषय के आपको ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और जो बगल में घंटी है उसे भी बजा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवेरायन की स्थापना किस राज्य ने की, जलवेरायन की स्थापना किस राज्य ने की, तो याद रखेंगे जलवेरायन की स्थापना प्रसा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी, हंगरी की भाषा क्या थी, तो दोस्तों हंगरी की भाषा मैग्यार था, याद रखेंगे मैग्यार हंगरी की भाषा थी, ऑप्शन बी, हंगरी की भाषा क्या थी, तो मैग्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो वह याद रखेंगे तुर्की की, तुर्की की ही यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो वह दोस्तों फ्रांस के, याद रखेंगे फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक कौन थी, तो मरियान, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे यूनान को, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि प्रतिदिन आपको 7:30 बजे सभी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।